हेलो, सलाम अलैकुम जी। जी बिस्मिल्लाह, कायदाबाद से भाई, क्या नाम है आपका? वकार अली साहब, क्या फरमा रहे हैं, क्या पूछना चाहते हैं? चाहिए था जो आपने पहले, ये सरगोधा जो इंस्टीट्यूट है ना चित्र, उनका नंबर दिखवाया था, वो मिस हो गया जरा। नहीं, तो आपने लिखा ही नहीं था। वो डायल किया लेकिन वो डायल में सेव ही नहीं हुआ। नहीं, वो आपने कोई कागज कलम नहीं रखा हुआ? नहीं, वो नहीं था, वो मोबाइल में, दूसरे में मोबाइल में फोन डायल किया, वो सेव किया लेकिन वो सेव नहीं हुआ दोनों नंबर। अच्छा, आजकल असल में ना, ये दिस इज रियलिटी के आजकल लोग लिखना पढ़ना भूल गए हैं। सुनने नहीं की नहीं थोड़ी मेरी सी यार, नहीं, मेरी यार सुन ले मेरी जान, मेरी हम पुराने बिल्कुल लोग हैं ना, हम लिखते हैं, हम लिख लेते हैं। और मैं हमेशा रिक्वेस्ट करता हूँ कि जितने मेरे रिव्यूअर्स हैं, जो कॉलर्स हैं, वो प्लीज अपने पास कागज कलम रखा करें, वो लिखा करें। कई लोग जो हैं, चलो रिकॉर्ड करने वाले तो अलग बात है, वो कहते नहीं जी डॉक्टर साहब आप बोलते जाएं, हम रिकॉर्ड आपके कर लेते हैं। और उनको ये नहीं पता होता कि मैं भी रिकॉर्ड कर रहा होता हूँ और ये मैं अपलोड कर देना होता है, तो वो आप उसमें से भी देख सकते हैं। लेकिन वो कुछ लोग हुए हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो बिल्कुल ही ना उनके पास दूसरा मोबाइल होता है, वो हाँ हाँ करते जाएंगे और बाद में जब खत्म होने लगेगा तो फिर दोबारा कहेंगे ओ डॉक्टर साहब एक दफा फिर बताएं कौन सा नुस्खा बताया, कौन सी वैरायटी बताई, आप दोबारा से करें। फिर मैं दोबारा से बताता हूँ तो फिर वो एक कान से सुनते हैं। कई दफा एक कोई ऐसे भी होते हैं जो ढेरों पे बैठे होते हैं, वो कहते हैं मैं जमीन पे लिख रहा हूं, मैं घर में जाके लिख लूंगा। दैट्स नॉट द वे मेरी जान, मैं इंसान हूं, मैं आपकी अगर खिदमत के लिए बैठा हूं, आप लोगों की खिदमत कर रहा हूं, तो आप इसको इम्पोर्टेंस दें। और इसके लिए आप हमेशा जो एक दफा मैं बताऊं आप लिख लिया करें। अगर आपने चलें दूसरे मोबाइल पे जी मैं उस पे लगा था करने, वो आप उस पे आप लगे होंगे नंबर लिखने, ठीक है या नहीं, वो नंबर आपका डिलीट हो गया या सेव ही नहीं हो सका, कोई बात नहीं, मैं हाजिर हूं, मैं आपका नौकर हूं, नौकर हूं, पूरी कौम का नौकर हूं, मेरी जान मैं नौकर हूं आपका, आप लिखें लिखें, मैं नौकर हूं, नौकर नौकर जो समझते हैं, नौकर हूं आपका, आप लिखें प्लीज आप। नहीं नहीं बड़ा कोई बड़ा अल्लाह की जात है, मैं छोटा हूं, मैं आप मेरा देखेंगे, मेरे पास कार्ड भी जो लेके जाते हैं उस पे लिखा होता है आई एम नथिंग, मैं कुछ भी नहीं हूं। इसी तरह आप फेसबुक पे, वो तो बहुत थोड़े से लोग होते हैं, 5,000 ही हैं मेरे वो जो फ्रेंड्स हैं, उससे ज्यादा तो बन नहीं सकते। और लेकिन मेरे ये दो चैनल्स पे, इस पे 1,67,000 से प्लस हैं एक पे, और इस दूसरे पे भी 1 लाख के करीब है। मकसद ये है कि ये लाखों में है लोग जो हैं जो अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन मैं कुछ भी नहीं, मैं सबका नौकर हूं, तो मेरी जान मैं नौकर हूं, आप लिखें सिट्रस वालों का लिखें, फिर उसी के ऊपर आप टाइप करेंगे, आप लिखें 048 है इनका सरगोधा का जो कोड नंबर है, और उनका लिखें 3701312। और इसी तरह दूसरा मैंने नंबर आपको फ्रूट्स वालों का, नर्सरी का बताया था, वो लिख लें 03444 531 3625। 3625 एक और लिख लें जरा अच्छा होता है, वो है आपको हॉर्टिकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट का, वहां से आपको भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिल सकती है, वहां से भी कांटेक्ट कर लें। हॉर्टिकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट का है 04190209201690। 0491 6 90
90। हाँ जी, ये सारे। और अगर बहुत ही टॉप पे जाना है और आपने हॉर्टिकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट NARC का फ्रूट्स वालों का लेना है तो उनका एक्सचेंज दे देता हूँ। वहां से आप एक्सचेंज वाले को कहें कि जी फ्रूट डिपार्टमेंट के साथ मिला दें, तो फ्रूट्स वालों के साथ भी आप डिस्कस कर सकते हैं, जो उनके पास हो सकता है कि बहुत अच्छी लेटेस्ट वैरायटीज भी फ्रूट्स की हो, तो उनका भी आप ले लें नंबर। NARC एक्सचेंज का लिखें 051। जी, हाँ, ये इस्लामाबाद का कोड नंबर है। और 907 07 33 33 000 30। आप लिख लिए सारी चीजें जी? जी, सारी चीजें। मेरी जान, आपका नाम क्या है और कौन सी सही जगह कौन सी है, कहाँ से बोल रहे हैं आप? जी, राणा वकार अली बोल रहा हूँ, कायदाबाद से। कायदाबाद शहर से हैं या वो जी, मेन शहर से। जी उतरा भी आपके पास ही है गांव? बिल्कुल, उतरा हमारे पड़ोस में है। पड़ोस में है, ठीक है। वहां अगर जी, कहीं भी जाना हो तो वहां ये नंबर मेरा दे दें, वहां एक होंगे मख्तूब मुख्तारुल हक। अच्छा जी, मुख्तार। हाँ, उसको मेरा सलाम दें जरा थोड़ा, ठीक है? और ठीक फिर है, मुझे बताना है कि उसका रिएक्शन क्या है, कोई वो याद भी है उसको कि मैं उसका एक अदना सा टीचर भी हूँ, ठीक है? वो ओके, मुख्तारुल हक साहब, वो कोई उनका नंबर है आपके पास या कोई? अच्छा नंबर नंबर नहीं मेरे पास, पहले होता था लेकिन अच्छा वो आपने मुझे भेज देना है, आप नंबर लेके ना चले, मैं ना मुझे, इंशाल्लाह कोई पता करके ना, मैं इंशाल्लाह वो फिर उनसे पूछ ठीक है? लूंगा। जी मेरी जान, मेरी जान, क्योंकि आपने कहा ना पड़ोस में ही है, तो मैंने कहा जरा पता जी बता दूं, ठीक है? ठीक है, ओके ओके, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, ओके, बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह अल्लाह हाफिज। हाफिज, अल्लाह हाफिज। इस प्रोग्राम का इख्तिताम कुरान करीम पारा नंबर 20 सूरा नंबर 28 और आयत 84 का तर्जमा कर रहा हूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का फरमान है, जो भलाई करेगा उसे उससे बेहतर मिलेगा और जो बुराई करेगा उसे वही सजा मिलेगी जो बुराइयां करने वाले को अपने करतूतों के लिए मिलती है। सदकल्लाहुल्अज़ीम। दुआ में याद रखें फीमानल्लाह। पाकिस्तान, हिंदुस्तान और बांग्लादेश से कॉल्स जुम्मा के सिवा रोज़ाना सुबह 11 से दोपहर 1 बजे तक ली जाएंगी, और यूरोप और बैरूने ममालिक से कॉल्स शाम 4 बजे से 5 बजे तक ली जाएंगी। इन औकात पर 0333-5121-879 पे डॉक्टर अशरफ साहिबजादा से राबता करें। शुक्रिया।